हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मुझे लगा ये बातें आपसे शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मेरा एक गुड़हल का पेड़ था जिसमें फ्लावर्स काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे। मैंने उसको पानी वाटरिंग करके देखा, धूप भी लगा के देखा, फर्टिलाइज़र भी डाल के देखा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। लास्ट स्टेज बचा था कि कहीं इसका रूट बाउंड तो नहीं हो रहा है। और आज जब मॉर्निंग में उठकर मैंने इस गमले को खाली किया है तो स्टीम रूट बाउंड था। ये देखिए, ये पूरा रूट बाउंड हो रखा था। और ये मेरा गुड़हल का पेड़ है जिसको मैंने अभी निकाला है और उसके रूट्स को कटिंग किया है। ये पूरे गमले में इस तरीके से पूरा ये गमला पैक्ड हो रखा है, जिसकी वजह से इसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी फ्रेंड को के गमलों में या पौधों में इस तरीके की प्रॉब्लम होती कि फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या फिर वो बिल्कुल मुरझाया सा है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब आज मैं इसको खाली करके इसके अंदर इसको प्रॉपर अच्छे से फिर से मिट्टी डालूंगी कोकोपीट के साथ, और दोबारा से इस पौधे को मैं फिर से इस गमले में पोट करूंगी। और जो भी इसके एक्स्ट्रा रूट्स वगैरह हैं वो सब मैं कटिंग करके इसको मतलब पूरा अच्छे से प्रॉपर कर दूंगी और ऊपर से भी कटिंग कर दूंगी। तो आई होप सो कि ये काम कर जाएगा और प्रॉपर फ्लावरिंग करेगा। इसी तरह मेरे समी के पौधे में भी हो रहा था, उसकी भी मैंने कटिंग करके और फ्लावरिंग की वो सारा रूट निकाला है और उसको भी दोबारा से रिपोर्ट किया है। और इसी तरीके से आज मैंने ये बैंगन के पौधे थे जो एक दो बार बैंगन आने के बाद इसके पत्ते पीले पीले होने लग गए थे, तो दोबारा से मैंने इनके साथ भी यही किया। तो प्लीज़ फ्रेंड, मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें शेयर करनी चाहिए, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।